हमारी सरकार ने, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो हमारे कपड़े जो है फाड़े गए, हमें कहीं ना कहीं जो है हमें लाठियां बरसाई गई। और इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स है JKSSB के जो एग्जाम्स है इम्पार्शल तरीके से हो, और एपटेक जैसी और ये घटिया करप्ट ब्लैक लिस्टेड कंपनियां, ये कंपनियां यहां से जम्मू कश्मीर से धक्के मार के इनको बाहर निकाला जाए, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं इम्पार्शल तरीके से हो, ताकि स्टूडेंट्स को खज्जल ना होना पड़े। सर कहना क्या है, और ये कहने की बात रही नहीं है, अब ये मुद्दा एक जगह का रहा नहीं है, पूरे JNK में, यूटी में हमारी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। बच्चों का एक ही डिमांड है कि जो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, हम इसको एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, हमारा एग्ज़ाम फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाएं। लेकिन सरकार जो है इस बात के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, बच्चे फिर से मजबूर हैं सड़कों पे उतर के इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए। तो आपके थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों की ये हालत को समझिए, और ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर रिसेंटली 16 से निकाला हुआ है, तो इसे बंद कीजिए और एपटेक कंपनी को निकाल के किसी अच्छी कंपनी के थ्रू हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाइए। क्या वजह है बार बार एक ही कंपनी के थ्रू एग्ज़ाम दिए जाने, जबकि पता है कि उसमें कई बार धांधली होंगी, फिर भी यही तो प्रूफ करके हर जगह से हमें मिला है कि जिस जिस स्टेट में इस कंपनी ने एग्ज़ाम करवाए हैं, तो उन लेकिन स्टेट ने इनको, इस कंपनी को जो है बैन कर दिया है। लेकिन हमारी JKSSB की पता नहीं क्या मजबूरी है, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगी कि अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है, उनको कोई ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो आप हमें बताइए, हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी डिमांड क्या है, मैं पूछती हूँ कि JKSSB की मजबूरी क्या है, वो हमें अपनी मजबूरी बताइए, मे भी हम यूथ मिलकर उनका हल निकाल सके कि किस वजह से ऐसी क्या बात है कि JKSSB एपटेक का साथ छोड़ ही नहीं रही है। बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से टॉर्चर होके, और लास्ट में ये हमारे पास एक ही चारा था कि हम प्रदर्शन करें और अपनी बात को सामने रखें। लेकिन बात सामने आ चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि बच्चों के लिए आगे भविष्य के लिए सोचे, बेटरमेंट के लिए सोचे। एपटेक को पता नहीं क्यों निकाला नहीं जा रहा है। एकजुट जम्मू पार्टी युवाओं की पार्टी है, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह आज जम्मू में हमारे युवा दरबदर हो रहे हैं, और जो इशू है वो यही है कि एपटेक कंपनी, जो कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, आज हमारी यहाँ की मौजूदा सरकारों ने, LG सरकार ने, उनके हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य सौंप दिया है। आप देखें कि जिस तरह बच्चे हमारे जम्मू के ऑलरेडी बेरोजगार हैं, पीछे जो भर्तियाँ निकलती हैं वहाँ पर बच्चों को पैसे लिए जाते हैं, और बाद में उनकी जो जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। तो बच्चे हमारे ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, जम्मू का युवा सफ़र कर रहा है, और बीच में आप जिस तरह के एपटेक कंपनी को लेके आते हैं, जिसका कि एक अपना एक करैक्टर है कि वो एक इस तरह की मशीन है कि जो बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल कर रही है, तो आप हमारे बच्चों के साथ और कितना खिलवाड़ करेंगे कि बच्चों को ऐसी कंपनियां उनका एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगी जो बच्चों के साथ उनका भविष्य खराब करेंगी। आपको पता होने के बावजूद भी आप ऐसी कंपनियों को यहां लेकर आ रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं है कि आज हमारे जम्मू की बात कोई नहीं सुन रहा। आज जम्मू को जिस तरह इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरह बच्चों की जो उनको इग्नोरेंस उनको की जा रही है, हम बताना चाहते हैं कि एकजुट जम्मू पार्टी इन बच्चों के साथ खड़ी है। और जिस तरह पीछे प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर लाया गया जम्मू में, जम्मू के ऊपर एक जजिया थोपा गया, उस चीज़ से जम्मू का ध्यान
भटकाने के लिए इन्होंने एपटेक को जिस तरह से बीच में ला दिया है, और अब इसके बाद जो एपटेक पर लोगों का ध्यान जाएगा, फिर कोई और इशू ले आएंगे। तो हम साफ शब्दों में यही कहना चाहते हैं जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के LG मनोज सिन्हा जी को, कि आप अपनी इस तरह की जो चीज़ें इनको विराम कीजिए, हमारे बच्चों के, हमारे जम्मू के युवाओं के फ्यूचर के साथ ना खेलिए। क्योंकि आने वाले समय में अगर जिस तरह आज युवा इकट्ठे हो रहे हैं, डोगरा इकट्ठा हो रहा है, आने वाले समय में यहाँ से पूरी मौजूदा जो सरकारें इनको खदेड़ दिया जाएगा, और फिर आप लोग यहाँ पे कोई इनका बालीवर्स नहीं रहेगा। तो कहने का मेरा उद्देश्य यही है, हमारा साफ शब्द में ये कहना है कि एकजुट जम्मू पार्टी इनके साथ खड़ी है, और एपटेक कंपनी को हम अपने जम्मू में इन बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये हमारा प्रण है।